वीकेंड्स को लगी शूटिंग पर रोक। जी हाँ, आने वाले लॉकडाउन के जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसके पहले जो नॉर्म्स शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र के कोरोना के हाल को देखते हुए, उसके बाद वीकेंड्स पर लगने वाली है शूटिंग पर रोक। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। महाराष्ट्र में है मुंबई, मुंबई में है बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री, जो कि कोरोना की मार झेलेंगे सभी के साथ। दरअसल पहले ये हो रहा था कि शायद वीकेंड्स पर शूटिंग की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स के बीच में भी फैल रहा है, कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री को भी। साफ नॉर्म्स सामने आ चुके हैं, वीकेंड को लॉकडाउन रहेगा तो नहीं चलेगी शूटिंग भी। शूटिंग को उसी समय रोकना होगा, और इसी वजह से जो भी टेलीविजन शोज डेली शूट करते हैं या उनका डेली का शेड्यूल रहता है फॉर शूट्स, वो भी अपने शूट्स को उसी अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई सारे टेलीविजन शोज पर पड़ने वाली है कोरोना की मार, और वो बंद भी होने वाले हैं। साथ निभाना साथिया 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिन पर कोरोना की मार पड़ चुकी है, तो उनके शेड्यूल्स जो शूटिंग के थे वो अब्रप्टली चेंज किए गए हैं, और शूटिंग को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जहां टेलीविजन शोज ट्राई कर रहे हैं कि उनके पास एक बैंक क्रिएट हो जाए एपिसोड्स का, शोज के शूटिंग स्केड्यूल्स जो है इस तरीके से सेटअप हो जाए कि शूट अच्छा खासा तैयार हो जाए, जिसको वो चलाते रहे वीकेंड्स पर भी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये होने नहीं वाला है। और काफी ज्यादा परेशानी की बात ये सामने आ रही है सारे शूटिंग वाले लोगों के लिए, क्योंकि बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के शूट्स अगर रुक जाते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, टेलीविजन शोज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो ऑल डे अराउंड, ऑल वीक अराउंड शूट करते हैं। ऐसे में किस तरीके से होगी सारी चीजें सेटल, देखने वाली बात रहेगी। क्या कहना चाहते हैं आप इस बड़ी खबर को सुन के, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।